ए दू खेदू तो परदादा का नाम था, हमारे दादा के नाम भिखारी था। सालों से तो भक्ताई में आया क्या? मैं तो ऐसे बहुत दिन से था, पर 2 साल से मैं बिल्कुल बैठ गया माता के पास। पर बाबू 17 साल से तेरी जो पीछे से चल रही है, ये गति तुझे ऐसी थोड़ी ना मिली है बच्चे। अब मुझे कुछ मालूम नहीं है, बस ये तो पीछे से चली हुई है बाबू। मुझे यही मालूम है कि मुझे दिखने लगा और मैं जो है कि जो कुछ आगे आया वैसे किया, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो मैं जाके मुझे देखने दे, तू शांति रख। माता जी से क्या छुप सकता है, सपने में आने को प्रकार की चीज देखा हूँ। शांति रख, जो पूछूं उसका जवाब दे बस अभी। देखने दे मुझे कोई शमशानी उपाय भी बताया था क्या? नहीं, मुझे कोई शमशानी उपाय बता रहा था, पर मैंने उसको नहीं किया। कोई आया था घूमते फिरते। बाबू चली तो तेरे साथ रणचंडी, शक्ति तो पहले रणचंडी सवार बाबू काली चली तेरे को, फिर पीछे कैसे हो गई? पहले चली या नहीं पहले तो इसका जवाब दे दे बाबू। हाँ, जो आपके बहन है वो तो इतना खतरनाक चली हमारे ऊपर। बाबू रणचंडी चली हूँ पहले, समझे ना? कोई डर जाता था। और तू एक बात बता बाबू, तू ये जो भगताई में आया, ठीक है ना बाबू? हाँ। पहले तो तूने बाबू ये बता, गुरु कितने बना लिए हैं? हमारे 3-4 जगह में गया। और तुझे बाबू करना भी कुछ नहीं था। मैं करता क्या, गुरु बनाता गया? ये जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए ये काम, बस नाम का गुरु बना लिया, काम तूने कुछ नहीं किया बच्चे। हाँ। तुझे ज्यादा जल्दबाजी थी, विश्वास नहीं था मुझ पे, हैं? विश्वास नहीं था, हमारा पड़ोसी मुझे हमें तंग कर दिया था, माई को रहते हुए मंत्र वाले ने परेशान किया, तो मैं क्या कर सकता? एक बात बता बच्चे, मैं किसी से पूछ के आई तुझ पे? नहीं नहीं आई ना? नहीं। तो तू कैसे डगमगा गया? तो बस मैं बेसहारा डगमगा गया। क्या मैं परीक्षा नहीं लेती हूँ? तूने कैसे सोच लिया मैं तुझे भूखा रखूंगी, हैं? कैसे सोच लिया तूने जो मांगना शुरू कर दिया, हैं? मैं क्या करूँ बता तो रहा हूँ। मांगने से दुश्मन आसे पासे के खड़े कर लिए तूने। मैं जो है कि कुछ समझ नहीं पाया कि मैं करूँ क्या फिर अकेला। कोई तूने सुना गुरु की भी नहीं, मेरी बात सुन ले बच्चे। हाँ सुनाइए। तूने गुरु की भी नहीं सुनी, तुझे ये भी नहीं करना, तुझे वो भी नहीं करना, तुझे गुरु की बात भी तूने नहीं मानी बच्चे, ठीक है? तूने सोचा माई आ गई, अब माई सब बताए ना, मैं इधर भटकू ना उधर जाऊ, मैं सिर्फ बैठे बैठे माई सारा काम कर दे, लेकिन खुद भी तो कुछ करना होता है बच्चे। हाँ तो बताइए अब क्या किया तूने? आपने हमको, मैं तुझे तेरी गलती बता रही हूँ बच्चे, गलती तुझसे हुई है बाबू। सब कुछ बता, मैंने तो तुझे सब कुछ दी, मैंने तुझे दृष्टि दी, ठीक है, आगे भी बढ़ाया, लालच तेरे मन में आया है, क्या मैं तुझे नहीं दे धन भी दिखाया आपने, तो फिर परीक्षा में तू फेल हुआ, ये बताना, परीक्षा तो लूंगी मैं। ठीक है, अब तो आपने परीक्षा ले लिया, अब तो मुझे माफ करो, आज जो चीज मुझे दिया था आप लौटाओ। ऐसे कैसे बच्चे, मैंने तो तुझे दिया ना। हाँ, आपने कुछ तूने गाँव में भी बिगाड़ करी बच्चे, ठीक है ना, कुछ पलटवार हुआ।
हाँ। समझ रहा मेरी बात? हाँ समझ। दो बार तुझे भी बचाया मैंने। हाँ बचाया है। एक बार तो किसी ने मारा ऐसे बाण, तो फिर हमारे गांव के दुर्गा ने जो है कि बचाए बच्चे। लेकिन करा तो तू चला, गुरु तूने बदले हैं? पर उस गुरु बदलते 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 बाबू तू गलत रास्ते चल पड़ा। मेरी बात सुन ले। हाँ सुना दीजिए। ठीक है ना बाबू, तू शुरू से ही गलत चल पड़ा बच्चे। तुझे मैंने समय दिया, मौका दिया, भटकाव तेरे अंदर खुद आया बच्चे। ठीक है ना बाबू? ठीक है। तो गलती तूने एक नहीं बाबू, हजारों की, इसीलिए बाबू मैं भी पीछे हट गई। ठीक है ना? अब बाबू तेरे ऊपर छोड़ी गई है क्रिया बाबू। ठीक है ना बाबू? और तुझे इसलिए गंदी चीज भी दिखती है। ठीक है ना बाबू? आप उसको साइन कर लो, मैं बहुत परेशान हूँ बाबू। सब देख लू पहले, तेरी गलती बता दू। तेरी यही जल्दबाजी ने तुझे आज बर्बाद कर दिया। माता जी समझ गया मेरी बात। सब गलती आपने देखा है, ठीक है? ये नहीं है कि कोई नहीं देखा है। मैंने सबने नहीं बच्चे, तुझे विश्वास और धैर्य रखा कर। ठीक है, माई उसके साथ चलती है जिसपे धैर्य हो। अब रखेंगे। अब तो तुझे रखना पड़ेगा बाबू। कर दिया सारा कुछ बर्बाद। कर लिया बर्बाद, सब बर्बाद हो गया। क्या खाली हाथ, दोनों हाथ का जस छीन गया फिर। और पता नहीं जिसने, जब लालच जा आ जाए बच्चे, पीछे हट जाती हूँ मैं। मेरी बात सुन ले, पीछे हट जाती हूँ। जब कल्याण के लिए जब तुझे बैठाया बच्चे, जब सबका काम बना रही थी, क्या तुझे नहीं देती मैं? तूने कैसे सोच लिया भाई कुछ नहीं देती है? तूने कैसे सोच लिया बाबू, यह बता। आप फिर माई समझाती ना हमको कि तू ना भटक बेटा। मैं माई क्या समझाती, माई ने तो तुझे गद्दी दे दी बाबू। जब कल्याण के लिए तुझे बैठा दिया, तेरा भी कुछ काम था नहीं था? मेरा काम कौन सा? कि माई ही बोलती सब कुछ। माई को तो माई तो गद्दी पे आके बच्चे तेरे काम बना रही थी सारी। बोल सारे के सारे काम नहीं बने। हाँ काम बने लगते लगते बाबू। साल भर तेरा अच्छा चलाया मैंने। हाँ साल भर, साल भर सारा काम चलाया। हाँ साल भर। उसके बाद तेरे मन में लालच पनपा, पीछे होती चली गई। बता झूठ बोल रही हो तो? नहीं बात तो सही है। फिर बाबू बात तो सही है। फिर जिस दिन तेरे मन में चीजों को लेकर लालच आने लगा, इसी से ये ले लो वो ले लो, ठीक है ना, तो फिर? पर मैंने पैसा ही किसी से भी ले लिया है और सामान लोग दिया, पर मैंने नहीं लिया। नहीं मुझे नहीं चाहिए, जब काम हो जाए तब मुझे जो कुछ। बाबू देख गलती मेरे से कुछ नहीं छुपी बात, भगत तू मेरा था, ठीक है ना? भगत आई की मन में लालच लाया और देख ले नतीजा। जब मैं दे सकती हूँ बच्चे तो लेने में मिनट नहीं लगाती। माई के घर में देर कहाँ होता है, वो तो सेकेंडों में सब। तू सोच रहा है कि माई ने ये कर दिया तो माई झटका कैसे काम कर ले, ऐसे कैसे कर लूं है? फिर तूने गुरुओं का भी दोष अपने सर ले लिया, आसे पासे से दुश्मनी ले ली, गुरु पे गुरु यहाँ से वहां भागता रहा। अच्छा एक बात बताइए माता जी, आप गुरु का दोष हमारे ऊपर कैसे है? वो गुरु जो है हमारा सही है, आप देखो तो। तू सही चलता उसे मैं पलटती और पलटा भी बच्चे। उसको भूत इधर से उधर उल्टा सीधा काम करवाता है, उसने ठीक रहता उसको नहीं, वो नहीं पलटा, उसे भी तो पलट दिया मैंने। कितना खपर दिवाया उसने जो तू बता। कोई खपर लिया आपने? तू बता ना, उसे नहीं पलटा क्या मैंने? पलट दिया। तो फिर तू मुझ पे विश्वास रखता? चाहे मैं इसीलिए गया कि जब ये गुरु हमारे जो है कि ये तो भूत के चक्कर में हमको बर्बाद करे जा रहा है। तू खुद बाबू लालच में है, मेरी बात सुन। हाँ। अगर तेरे मन में लालच नहीं आता ना, तेरे साथ तो दुर्गे भवानी रूप में भी खड़ी हूँ। और बता तू बाबू, आज भी बाबू चल रही हूँ, समझ रहे मेरी बात? और आदि बाबू तूने बाबू भाइयों के पास भी, तेरा भाइयों से भी, ये तेरी झड़प भाइयों के बीच भी हो रखी है बहुत है। उन्होंने भी तेरा काम खराब किया बच्चे, बहुत बर्बाद हो रखा हूँ मैं।
बर्बाद हो रहे पहली गलती तो बाबू तूने की, जब वो मेरे ही दिया हुआ काम बाबू तू संभाल नहीं पाया, उसके बाद तो सबने बाबू तेरी वैसी थी, तुझे कहीं का नहीं छोड़ा बाबू। अच्छा तो सब गलती तो माँ ही माफ करती है, अब तो मुझे माफ कर दो और मुझे जो है कि पलटाओ। अब मैं कहीं भटकना नहीं चाहता, किसी ओझा के पास नहीं जाना चाहता, किसी भगत के पास नहीं जाना चाहता। जिसके पास भी गया उसने हमारे साथ धोखा ही किया, कोई हमारा भला ही नहीं किया। मेरी बात सुन ले बच्चे। हाँ सुनाइए। ठीक है ना, पहले तो तुझे दंड क्षमा के रूप में बच्चे, ठीक है ना, पहले तो 41 दिन नित्य बाबू सेवा देनी होगी। 40